Hello students, how are you? Students, in first video of the noun and kinds of nouns, I have explained the nouns, what is a noun and how many kinds of noun and what is the definition of that. And after that, I want to explain today countable and uncountable noun. Countable यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, uncountable मतलब जिसको ना गिना जा सके. तो फर्स्ट वी विल रीड द डेफिनेशन एंड देन वी विल अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू कम ऑन द पेज नंबर 10 ऑफ योर ग्रामर बुक एंड पुट योर फिंगर. सो फर्स्ट वी विल सी दिस. हियर हेडिंग इज गिवन हियर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस. काउंटेबल नाउन, काउंटेबल यानी काउंटेबल यानी कि काउंट के एबल हो, यानी कि काउंट का गिनने के योग्य. Countable nouns refer to nouns that can be counted. यानी कि countable noun उसको refer करता है, यानी कि उसको कहा जाता है जिसको कि हम count कर सकते हैं. They can be both singular and plural. मतलब कि ये singular यानी कि एक वचन में भी हो सकते हैं और बहुवचन में भी हो सकते हैं. एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है. जैसे वन बनाना, तो स्टूडेंट्स आप जानते हो वन बनाना, अगर आपको एक को एक बनाना दे तो आप गिन लोगे. थ्री बनाना दे तो भी आप काउंट कर लोगे. तो एंड माई सन्स आर प्लेइंग विथ आर डॉग सीजर. माई सन्स आर प्लेइंग, तो इफ़ एनी वन इज सेइंग कि माई सन मेरे बेटे खेल रहे, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर टू बॉयज आर हियर. इट मीन्स कि हम इसको गिन सकते हैं, यानी कि अगर कोई इसको रेफर कर रहा है कि माई सन्स आर प्लेइंग, तो वी कैन से कि यहाँ पे वन एंड टू वी कैन काउंट द सन या वी कैन काउंट द बॉयज. हियर दिस मॉल इज ऑलवेज क्राउडेड विद शॉपर्स. यानी कि यहाँ पे जितने भी शॉपर्स यानी कि खरीदार हैं, शॉपर्स मतलब खरीदार, यानी कि इस मॉल में हमेशा खरीदारों की भीड़ होती है. लेकिन अगर खरीदार को हम काउंट करना चाहें तो वी कैन काउंट 1, 2, 3, 100 मे बी 100 मे बी 50 मे बी 200 बट वी कैन काउंट. यानी कि ऐसा कोई भी नाउन जिसको कि हम गिन सकते हो, गिनती में गिन सकते हैं, 1, 200, 1,000, 400 दैट वी कैन काउंट. सो काउंटेबल नाउन रिफर्स टू अ नाउन विच कैन काउंट. एंड नाउ वी विल मूव ऑन द अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन जिसको कि हम गिन ना सकें, यानी कि अब आप देखोगे भी समझ में आपको आ जाएगा. अनकाउंटेबल नाउन्स रिफर टू नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. अनकाउंटेबल नाउन्स रिफर टू नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं. जैसे मैनी पीपल इन एशिया ईट राइस, यानी कि एशिया में बहुत सारे लोग राइस खाते हैं, चावल खाते हैं. तो क्या अगर आपको हम एक बाउल चावल दे दें, राइस दे दें, तो क्या आप गिन सकते हो? आई थिंक यू कांट काउंट. टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया, तो टी वी कैन नॉट काउंट. वी कैन से कि टी इज़ अनकाउंटेबल नाउन. ऐसे ही वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, यानी कि हमें पानी का, यानी कि जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस है, टी है, वाटर है, कॉफ़ी है, या ड्रिंक है, या फिर हेयर हो अपने बाल, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. अब हम इसको आर्टिकल के थ्रू कैसे, आर्टिकल से हम इस अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को कैसे ट्रीट करते हैं इसको देखेंगे. हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि हम अनकाउंटेबल, काउंटेबल को तो हम कर सकते हैं कि अगर वन है तो इज़ देयर इज़ अ बनाना, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम कह देंगे देयर आर बनानास, तो वी कैन से. बट जो अनकाउंटेबल नाउन है हम उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे वी विल सी. तो यहाँ पे देखते हैं, वी कैन यूज़ दीज वर्ड्स विथ नाउन्स दैट वी कैन आई काउंट, यानी कि जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम देखते हैं. अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कॉफ़ी अगर कप में देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे एक कप कॉफ़ी दो, दो कप कॉफ़ी दे दो, तो वी कैन काउंट. अ बॉटल ऑफ वाटर, तो बॉटल वाटर नहीं है लेकिन हम जिसको जिसमें हम उसको सर्व कर रहे हैं उस बॉटल को हम काउंट कर सकते हैं. अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, यानी कि
यहाँ पे हम अ ग्लास ऑफ वाटर मिल्क जूस, यानी कि जो हम वर्ड्स इसके साथ यूज़ करें उसे हम काउंट कर सकते हैं, ना कि उस नाउन को काउंट कर सकते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि जिस ग्लास में हम दे रहे हैं वाटर मिल्क जूस, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अ टिन ऑफ टोमेटोज, तो टोमेटोज जो टोमेटोज के जूस आप काउंट नहीं कर सकते, बट टिन वी कैन काउंट। अ टिन ऑफ टोमेटोज, अ बैग ऑफ शुगर राइस, यानी कि हम एक किलो राइस कह सकते हैं, दो किलो राइस कह सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि इसमें 100 राइस है, 200 राइस है, 1000 राइस है। ओके, सो वी कैन काउंट अ बैग। ऐसे ही अ कार्टून ऑफ मिल्क, यानी कि कार्टन ऑफ मिल्क, यानी कि हम कार्टन, यानी कि हम गत्ता या ये कह सकते हैं कि उसका बॉक्स, बट वी कैन नॉट काउंट अ मिल्क। यानी कि हम जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उनको जिस चीज़ में सर्व करते हैं या जो भी चीज़ें उसके साथ हम कुछ ऐड करके उसको काउंट करते हैं। अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ चीज़, यानी कि एक चीज़ का टुकड़ा, तो वी विल यूज़ अ। अंडरस्टूड? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो एंड आई हैव नॉट एक्सप्लेन एक्सरसाइज नंबर 5, तो फर्स्ट यू ऑल सी दिस कि वॉट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज। स्टेट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल आर अनकाउंटेबल। राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू एन फॉर अनकाउंटेबल। तो स्टूडेंट्स यू सी दिस, द स्मोक मेड आर कफ वेरी बैडली। द स्मोक, स्टूडेंट्स यू कैन से यू कैन काउंट स्मोक, दिस इज अ काउंटेबल, नो इट कैन नॉट countable, so we will write here you and, yani ki uncountable noun. This is the best picture you have painted, this is the best picture you have painted. So picture aapka kya ho sakta hai, counted hai ya uncountable hai? Picture to hum count kar sakte hai, it means ki this is a countable noun, so we will write here c. Number 3, open the windows, the air in this room is still. यानी कि जो विंडो है, विंडो तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 विंडो, 2 विंडो, 4 विंडो, 10 विंडो, बट एयर, तो विंडो, फॉर विंडो वी विल राइट सी एंड फॉर एयर वी विल राइट यू एन, यानी कि अनकाउंटेबल। ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 4 देखेंगे, दे हैव टू पुट ऑन मास्क बिकॉज ऑफ द डस्ट। तो मास्क इज अकाउंटेबल बिकॉज मास्क तो हम काउंट कर सकते हैं, बट डस्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, सो डस्ट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो आप मास के लिए लिखोगे सी एंड डस्ट के लिए लिखोगे यू एन। मदर मेड सम कुकीज फ्रॉम वीट फ्लोर, तो मदर क्या हो जाएगा आपका, मदर इज अ काउंटेबल, सो वी विल राइट सी। कुकीज ऑल्सो वी कैन काउंट, सो वी विल राइट सी एंड फ्लोर वी can't count, so we will write uncountable. So I hope you all are understood this exercise. I have given all the solution of these exercises. So students, do all the exercise. Best of luck.